हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता होगा कि कल 2 नवंबर को जन पटना के गांधी मैदान में 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र ज्वाइनिंग लेटर मिला था। तो देखिए, और सभी ज़िलों में कल ज्वाइनिंग लेटर का वितरण किया गया था, सभी ज़िलों में कैंप लगा के। तो देखिए, ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद देखिए केकक पाठक ने दिया शिक्षकों को इंडक्शन टेंशन। बोला ठीक, ज्वाइनिंग के साथ करना होगा ये काम। यदि आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं देखिए इसमें, तो इनको ये सब करना पड़ेगा। तो बिहार में बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को केके पाठक हिसाब से चलना होगा। स्कूल में पोस्टिंग से पहले केके पाठक का फरमान आ चुका है। बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के लिए विशेष दिशा निर्देश केके पाठक की ओर से बिहार के शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों जिलाधिकारियों को पहुंच चुका है। आइए हम आपको बताते हैं नियुक्ति शिक्षकों के पाठक ने कौन सा टेंशन दिया है। तो बीपीएससी में बहाल शिक्षकों गांधी मैदान पटना के अलावा पूरे बिहार भर में नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। ये बिहार शिक्षक बिहार के दूर दराज ग्रामीण इलाकों के अलावा उन स्कूलों में नियुक्ति होंगे जहाँ शिक्षक कमी है। ध्यान रहे, बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रतिबद्ध है। के पाठक की ओर से लगातार ऐसे प्रयोग किए जा रहे हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था मील का पत्थर साबित होने जा रही है। के पाठक के नामांकन रद्द करने वाले फरमान के बाद 50% से ज़्यादा स्कूल उपस्थिति बढ़ी है। स्थानीय अभिभावक के मुताबिक के पाठक के आने के बाद बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ। स्कूल में शिक्षक अपने समय आ रहे हैं। वहीं के पाठक के कार्यालय में बहाल होने वाले शिक्षकों के बारे में कहा जा रहा है, उनकी विशेष ट्रेनिंग होगी, उसके बाद ही विद्यालय में पोस्टिंग होगी, उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। के पाठक का फरमान, के पाठक की ओर से फरमान जारी कर दिया गया है कि निर्णय नियुक्ति पत्र मिलने के बाद शिक्षक सबसे पहला जो काम करेंगे वो प्रशिक्षण से जुड़ा होगा। ज्वाइनिंग लेटर मिलने के 36 घंटे के बाद ही शिक्षक चयन की सांस नहीं लेंगे। उनके तत्काल खुद को इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए तैयार कर लेना होगा। के पाठक के मुताबिक 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद शिक्षकों की ट्रेनिंग को स्टार्ट होने का वक्त आ चुका होगा। शिक्षक को 4 नवंबर से ट्रेनिंग दी जाएगी। बिहार के सभी शिक्षक संस्थानों को निर्धारित कर दिया है जहाँ शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। सुबह के 77 शैक्षणिक संस्थानों में ट्रेनिंग दी जाएगी। नवनियुक्ति शिक्षकों ट्रेनिंग के मॉनिटरिंग के लिए के पाठक की ओर से विशेष व्यवस्था की। शिक्षा विभाग से जुड़े सूत्रों के माने तो के पाठक ने सुबह के सभी DM को पत्र जारी कर दिया है। उसमें कहा गया है कि समय समय पर ट्रेनिंग की मॉनिटरिंग अनुमंडल पदाधिकारी के उप विकास आयुक्त को करना होगा। ग्रामीण इलाकों में लगते उधर सूचना ये मिली है कि सुबह के बीपीएससी के चयनित 1,20,000 नए शिक्षकों को स्कूल आवंटित करने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार है। इसमें सॉफ्टवेयर के माध्यम नए शिक्षकों को वैसे स्कूल में भेजा जाएगा जहां शिक्षकों को पहले से अभाव है। तो ग्रामीण इलाकों में भी इसमें ग्रामीण इलाके भी शामिल होंगे। इसके अलावा शिक्षा विभाग से सभी स्कूलों में अतिरिक्तियाँ की मांग पर नियुक्तियों की मांग कर डाली है। जैसे जैसे वैकेंट सीट की जानकारी मिलती जाए शिक्षकों को वहाँ भेजा जाएगा। शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरे नवंबर तक चलेगी। खाली सीटों को भरने की सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों के दूर दराज गाँव पंचायत स्कूलों से होगी। उनके बाद शहरी क्षेत्रों में स्कूल में पोस्टिंग दी जाएगी। ज़्यादा शिक्षक शहरों में रहना चाहते हैं, हालांकि उनके चाहने भर से नहीं होगा। पोस्टिंग का सारा अधिकार शिक्षा विभाग के हाथ में होगा। हालांकि पोस्टिंग से पहले आवासीय प्रशिक्षण का पूरा कार्य अनिवार्य किया गया। शिक्षा विभाग से जुड़े सूत्रों को माने तो नए शिक्षकों को सामने फरमान करने का चैलेंज भी होगा। उन्हें अपने काबिलियत साबित करने होंगे। उधर के पाठक की निगाहें शिक्षकों पर बनी रहेगी। सूत्रों की माने तो के पाठक कार्यालय में बहाल होने वाले शिक्षकों को अपने कर्तव्य की तरफ पूरा निष्ठापूर्वक करना होगा। किसी भी शिक्षक की शिकायत मिलने पर उसकी खैर नहीं होगी। ट्रेनिंग को अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा। पाठक की ओर से सभी जिलाधिकारी के सबको जारी पत्र में कह दिया कि प्रशिक्षण को देखरेख वरिष्ठ अधिकारी करते रहेंगे। बिहार में लगभग ज्यादा संस्थाओं प्रशिक्षण के लिए तैयार कर दिया गया है। तो चलिए, ये थी के पाठक से, इन्होंने ये सब बोला कि शिक्षकों की जो नियुक्ति मतलब 2 नवंबर को हुई है उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी विशेष। तो
आप सभी को सेशन, उम्मीद करने पसंद आया, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।